पार्टी, उसके बाद ईडी की कार्रवाई, फिर हसन मुशरिफ पे कार्रवाई, हसन मुशरिफ पर कार्रवाई, 100 करोड़ रुपए की डिमांड, 11 तारीख को उसकी रेगुलर बेल, लेकिन आज 4 तारीख को उसको कैबिनेट मिनिस्टर। जिन जिनके दामन दागदार हैं वो या तो भारतीय जनता पार्टी की जेल में जाएं मंत्री बने, और या फिर तिहाड़ जेल में जाएं। ये भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचारी जनता पार्टी होने का पुख्ता प्रमाण है। वही कर रहे हैं जो पहले आरजेडी और समाजवादी पार्टी के साथ आप लोग करते थे। अगर साथ आ गए, समर्थन दे दिया तो फिर ठीक है मामला, वरना तुरंत नोटिस चला जाता था सीबीआई का। इस बात को मैं पूरी तरीके से फिर दूसरे तरीके से कहता हूं जना जी, आप तो प्रख्यात पत्रकार हैं, पिंजरे का तोता। ये बिल्कुल आप बिल्कुल सही, आप जितनी भी बातें कहिए फिर आप एक शब्द से आप जो है आपत्ति करेंगी, और मैं आपको कह दूं ये शब्द आज तक नहीं कह रहा है। हमारी कमियों को शिखंडी बना करके भारतीय जनता पार्टी कब तक छुपेगी पीछे? हमने की हैं कमियां, लेकिन लोकतंत्र को बचाने के लिए सारे अच्छे काम भी किए हैं। अगर एक आधी कमी हमने की है तो हमारी कमियों को शिखंडी बनाए और भारतीय जनता पार्टी वाले पीछे छुप जाएं, जैसे नेहरू जी की तस्वीर के पीछे छिपकलियां सारे वो चीज खा करके छुप जाती है कीड़े, तो ये इस तरीके की हरकत क्यों कर रहे हैं? ये आज जो है, हिम्मत रखिए, आज थोड़ा मायूस लग रहा है। मायूस मामला गड़बड़ा रहा है क्या? कोई मामला नहीं हो रहा, बिहार तो हर दिन रोज दहाड़ते थे, अब मोड में आइए। ठीक है सुरेन जी, पूरा कर रहे हैं। तो दो तीन चीजें बड़ी साफ। पहली चीज तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक नेचर है कि गले लगाती है और छुरा भोंकती है, अकाली दल के पीठ पे छुरा भोंका, शिवसेना की पीठ पे छुरा भोंका, अब अजीत पवार जो आए हैं इनकी पीठ पे भी छुरा पड़ेगा, क्योंकि एक नया तख्ता पलट होने वाला है। शिंदे की सीट पे पीठ पे छुरा पड़ने वाला है। अब देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर छुरा लेके घूमते हैं, अरे बड़े छुरे इनके पास, छुरे नहीं है इनके पास एक वॉशिंग मशीन है, उसमें एक डीप फ्रीजर लगा हुआ है। ये मूल रूप से पानी से सुनिए वही बता रहे, सुन लीजिए, हाँ यही बात। मूल रूप से ये लोग उसमें क्या करते हैं बच्चों, पानी का बर्फ का छुरा बनाते हैं ताकि वो भी ना रहे, निशान ना रहे। हाँ, निशान ना रहे, बर्फ का छुरा मारते हैं, सबकी पीठ में छुरा भोंकते हैं। मगर वैसा छुरा सिर्फ हाथ ही मार पाता है। देखिए जनता दल यूनाइटेड की पीठ में हम आपके बीच में नहीं बोले सुधांशु जी, सॉरी सॉरी, ठीक है आप इतना परेशान मत होइए, हम जानते हैं आप हताश हैं, आप निराश हैं, मोदी जी के मामले में आप लोग बिल्कुल अस्तांचल की ओर हैं। सूर्य उनका वो अब वोट नहीं ला पा रहे हैं, कर्नाटक में नहीं ला पाए, अब वो विदेश में जाकर के वोट ढूंढ रहे हैं, अमरीका में ढूंढ रहे हैं, तो इसलिए छोड़ दीजिए। आप आज आप हमारी बात सुनिए, आप जितने लोगों को साथ लोगे सबकी पीठ में छुरा मारोगे। तो जब ये लोग सबकी पीठ में छुरा मारते हैं, अब अजीत दादा का भी नंबर है आने वाले समय में। अंजना जी मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर इनकी डबल इंजन की सरकार अच्छी चल रही थी तो इन्हें तीसरा इंजन लगाने की क्या जरूरत थी? कमजोर है आदमी, तो वो कह रहे हैं, अरे तोड़ के ताली बजाना था ना, वही तो कमजोर कमजोर गठरियां टूट रही हैं 24 के लिए उनको। अच्छा एक्चुअली हम आपसे एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जो आपका जवाब वो हमारा जवाब। 100 बीमार मिलकर के एक अच्छा अस्पताल बना लेंगे क्या? ये लोग अस्पताल बनाएंगे, ठीक है 24 में जो होगा सो देखा जाएगा। मृत्युंजय जी आप हंसे तो मैं आपको दुखी नहीं देख सकता। अब बताइए तिवारी जी क्या हुआ है, अंदर की बात कुछ बताइए। देखिए जेडीयू के कुछ सांसद विधायक बीजेपी से संपर्क में है। अंदर की बात ये है कि आदरणीय मोदी जी की भ्रष्टाचार पर महिमा इतना अपरंपार है कि सारे भ्रष्टाचारी जब भाजपा के हो जाते यार तो सब हो जाते सदाचार सदाचारी, और जो नहीं बनते भाजपा के यार उस पर होगा भ्रष्टाचार का प्रहार। ये कैसा प्रहार है? बिहार में जो बैठक हुई विपक्षी दलों की नेताओं की एकजुटता की, इसके बाद देखिए महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया, और 4 दिन पहले मध्य प्रदेश में चिल्ला कर कहे थे कि भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे गारंटी है। इस बात की गारंटी कब देंगे कि टमाटर 160 रुपया महंगा हो गया, गरीबों का थाली खाली है, बेरोजगार नौजवानों का फौज खड़ा हो गया, देश का किसान परेशान है? इस बात की गारंटी दे देते कि अच्छे दिन का सपना हमने साकार कर दिया तब देश की जनता को समझ में आती। देश की जनता भी अब बहुत समझदार हो गई अंजना जी, अब होशियार है और सब समझ रही है इनका भ्रष्टाचार पर जो दोहरा वार है कि सबको भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार करके सबको अपने पाले में, ये भ्रष्टाचारी जमात पार्टी बनकर बीजेपी रह गई है। और पिछले सावन में इसी बिहार में बीजेपी की नैया डूबी थी, शिंदे सरकार महाराष्ट्र में खेला इन्होंने किया था,
उसका बदला सूद ब्याज के साथ बिहार में लिया, और ये सावन दो महीने का है, ये सावन भी बीजेपी के लिए भारी है, और इसी बिहार में इनकी नाव डूबेगी। आप लोग कह रहे बिहार में टूटेगी, आरजेडी में टूट होगा, जेडीयू में टूट होगा, अभी हमने आदरणीय सुशील मोदी जी को सुना, ये बेचारे बताइए, इनको डिप्टी सीएम तक नहीं बनाया भाजपाइयों ने, सरकार में मंत्री केंद्र में नहीं बनाया, और आज ये कूद कूद कर कह रहे हैं जेडीयू टूटेगी। कोई टूटेगी टूटेगी नहीं, अटूट गठबंधन है और जनता का समर्थन है, और भारतीय जनता पार्टी की 24 में विदाई है। अनुराग भदौरिया जी, कुछ साइड इफेक्ट आपकी पार्टी पर भी पड़ रहा है क्या? सारा इफेक्ट भारतीय जनता पार्टी पे पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की परेशानी और बौखलाहट आप देख सकती हैं। शिवपाल यादव पर डेरा डाल सुन रहे तो लीजिए, वो डालते रहे, उनकी आदत है। अजीत चौधरी, शिवपाल यादव भी कहा है, डोरे संजय निषाद और राजभर ने कि वो समझा रहे बीजेपी। अरे उनकी डोरे डालने की आदत है, पर उनके डोरे में आता कौन है? वो डाले बैठे रहते हैं कटिया, लेकिन कुछ आता नहीं उनके हाथ। हाथ क्या आता है पता? सुन लीजिए आप, मैंने भूल लीजिए, मैं बोल लूं अपनी बात। आपको याद होगा सबसे बड़े नेता अगर भारतीय जनता पार्टी के देश के रहे, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, अब तो स्वर्गीय हैं। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा था, एक वोट से उनकी सरकार गिर रही थी, उन्होंने कहा था कि अगर मुझे खरीदना पड़े और पार्टियां तोड़ने पड़े तो ऐसी पार्टियों को मैं चिमटे से भी नहीं छूंगा, मैं सरकार जाना पसंद करूंगा। ये उनके शब्द थे। आज अफसोस होता है उनकी पार्टी की हालत क्या हो गई है। हालत ये हो गई कि जनता ने रिजेक्ट करती जा रही है। उनका एहसास है कि 2024 में, चूंकि वो महंगाई का मां बोलने से डरते हैं, बेरोजगारी का बाप बोलने से डरते हैं, किसान का कां बोलने से डरते हैं, युवाओं का वा बोलने से डरते हैं, सोचो आप, महिलाओं का मां बोलने से डरते हैं सम्मान में। जिस सरकार के अंदर में आपने देखा हो कि युवाओं महिलाओं को रोड पे, जो तिरंगा देश का जीत के आने वाली, जिन्होंने पहलवानी में देश के लिए तिरंगा जीता, उनको रोड पे घसीटा गया, कोई बीजेपी का नेता एक भी बोला हो तो बता दीजिए, रोड पे घसीटा गया उन महिलाओं को। तो इन महिलाओं का जहां अपमान हो, जहां किसानों का अपमान हो, जहां बेरोजगारों का सम्मान नहीं हो, जहां महंगाई की मार हो, वहां पे अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कोई बात नहीं करेंगे और जोड़ तोड़ की राजनीति करने की कोशिश करेंगे, जिनको आप कह रहे थे इनके भ्रष्टाचार का आरोप है, उनको आप 4 दिन बाद बुलाते, इधर आओ इधर आओ, अभी हमने भ्रष्टाचार का आरोप आप पे लगाया था, ईडी लगाई थी, आओ इधर आओ इधर आओ, आओ राजभवन आओ, ये लो राज तिलक कर दिया, अब आप मंत्री हो गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की बात करती थी, भ्रष्टाचारियों को अपने साथ ले लिया, एक मिनट, भ्रष्टाचारियों को अपने साथ ले लिया, फिर ये वंशवाद की बात करती थी, अब वंशवाद के इनका हालत देख लो, अजीत पवार भी उसी से आते हैं, लेकिन इनको अफसोस दिक्कत नहीं, क्योंकि इनकी सत्ता में आ गए, चौटाला के साथ हरियाणा में सरकार चला रहे वंशवाद से, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीपी के साथ चले गए थे ये कश्मीर में सरकार बनाने, फिर इन्होंने बादल के साथ सरकार बनाई परिवारवाद से पंजाब में, कोई दिक्कत नहीं थी, हम उत्तर प्रदेश में चले जाओ, अभी राजभर जी को डोरे डालते रहते हैं, निषाद ऑलरेडी इनकी पार्टी में परिवारवाद से, अपना दल परिवारवाद से, कितना शिवसेना परिवारवाद से आपके साथ सत्ता में, आप परिवारवादों के साथ सत्ता बनाएंगे, मलाई खाएंगे। अनुराग ठाकुर के पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, जो आज मंत्री हैं, परवेश वर्मा के जो आपके एमपी, उनके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे, और सिंधिया फैमिली पूरी आप लेके आ गए, तो आपके यहां परिवारवाद का था है, लेकिन आप उस पे बोलेंगे नहीं, आप किस पे बोलेंगे? आप बोलोगे वहां तोड़ो, वहां जोड़ो, वहां डराओ, वहां धमकाओ, लेकिन आप भूल गए, जनता को नेता को तोड़ने से जनता नहीं टूटती है, जनता वही है जो इंतजार कर रही है 2024 की डेट कब अनाउंस होगी, तब आपको बताएंगे हराने का रास्ता, जनता आपको हराएगी, आप नेता तोड़ते रहो, नजर टिका लिए, अब जवाब दीजिएगा। लेकिन अब निजेश अवस्थी जी, उससे पहले जी, क्या कुछ दिन में ऐसा हो जाएगा कि बीजेपी खुद ही नहीं समझ पाएगी कि वो कहां पर टिकी है? इतने सारे नेताओं को इंपोर्ट करना दूसरी पार्टियों से, अब तो लोग कहते हैं कि बीजेपी के नेता है तो पता नहीं मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन अगर विपक्षी दल के हैं, अगर भ्रष्टाचार का आरोप है, तब तो बहुत आसान है मंत्री बनना। तो अंजना जी, एक बात बड़ी साफ सी है, ईडी से सीबीआई से वही तो डर सकता है ना जिसने कोई गलत काम किया हो। ये तमाम लोग कहते हैं वॉशिंग मशीन है, उससे पहले इनकी वॉशिंग मशीन होती है, कहते हैं कि नहीं सब तो वो है, सब ठीक है, बिल्कुल कोई ईमानदार है, ये विपक्षी दल में हमारे साथ हैं इसलिए आरोप लगा रहे हैं ये। लेकिन जो ही उधर जाते हैं वो सारे आरोप जो बीजेपी लगा रही होती थी वो ये लगाना शुरू कर देते हैं। इसलिए समझ में नहीं आता कि एक बार ये कहते हैं, ये तो सिर्फ अपोजिशन के लिए भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी सही बोल रही है, विपक्ष सही बोल रही है। नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ। बात अंजना जी बड़ी साफ सी है, लंबे समय से अगर आप देखेंगी, 23 तारीख को जो महागठबंधन की सो कॉल्ड महागठबंधन की बैठक हुई, उसकी जब बाहर स्टोरी आई तो अंदर तो ये कहा जा रहा था कि सबसे बड़े जो नेता थे इनके, सबसे अनुभवी नेता चाणक्य, वो कहते थे आएगा तो मोदी ही, ये उनकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं।
नीतीश कुमार ने कहा था जीतन राम मांझी को बीच में नहीं बोला था, बीच में नहीं बोला था, बीच में नहीं बोला था, हरेक इंटरव्यू में बोला है। अंजना जी, जीतन राम मांझी को कहा कि हमने इसलिए अंदर नहीं बुलाया क्योंकि अंदर की बात लीक कर देते हैं। अब प्रफुल्ल पटेल ने लीक कर दी, अब किसको किसको नहीं बुलाएंगे? जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनवा दीजिए, बीजेपी बोले कि हमारा मुख्यमंत्री वही होंगे। बड़ी साफ सी अंजना जी कि ये सारा विपक्ष सो कॉल्ड, इसमें कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर कोई महत्वाकांक्षा नहीं है? सब आपस में एक दूसरे को निपटा रहे हैं। ये मोदी के खिलाफ नहीं, आपस में आपने देखा शिवसेना दोनों गुट आपस में लड़ रहे हैं, किसकी नाम और निशान की लड़ाई? शरद पवार और अजीत पवार गुट आपस में लड़ रहे हैं, किसकी नाम और निशान की लड़ाई? ये मोदी से बीजेपी से नहीं लड़ रहे, ये आपस में सब लड़ रहे। आपका भी आवेदन आया है विपक्ष के साथ साथ, क्या कर रही है सुधांशु जी? एक तो सबकी बातों का जवाब दीजिए, बीजेपी क्या कर रही है? सबसे ताकतवर अभी महायुति जिसे कहा है अजीत पवार ने, कौन है उसमें? इतने कम विधायकों के साथ आपने उनके 9 मंत्री बना दिए, 10 मंत्री शिंदे गुट के, और बीजेपी वाले विधायकों की क्या गलती है? 105 हैं आप लोग, फिर भी सिर्फ 10 मंत्री। आपको याद दिला दूं, हमने एक नहीं अनेक बार ऐसे गठबंधन किए हैं। जब मायावती जी के साथ किया था 67 उनके थे और 178 हमारे थे, और उसके बाद 2/3 मंत्री उनके थे। दूसरी बार भी उनके साथ था। जेडीएस के साथ हमने कर्नाटक में किया था, 40 उनके थे, 84 हमारे थे, फिर भी हमने आधा आधे पे किया था। इसलिए मैं कह रहा हूं वो एक अलग विषय है, मगर आज मैं एक पहले भी बोल चुका हूं, एक विचित्र ट्रेंड भारत की राजनीति में देख रहा हूं। देखिए, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी ने तो फिर भी संभाल के बोला, उनको लगा कि ये मामला फंसने वाला है, तो उन्होंने कहा हम भ्रष्टाचारी नहीं मानते हैं। मगर मैं देख रहा हूं बाकी तो भैया ऐसा आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। ऐलानिया कहते हैं हम भ्रष्टाचारी थे, हमारा नेता भ्रष्टाचारी था, हमारी सरकार नेता भयंकर भ्रष्टाचार हुआ था। पूरी बात हमारा आरोप था और हम आरोप पर आज भी कायम है। इसलिए किसी भी आरोपी नेता के विरुद्ध ना हमने केस विथड्रॉ किया है, ना हमारी एजेंसीज ने केस टोस किया है। मगर महत्वपूर्ण बात यह, ये लोग तो कहते थे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, पर सारे लोगों को इनका स्टैंड ये था कि अजीत पवार ने कुछ भी नहीं किया, और आज बोलते हैं भ्रष्टाचारी थे। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और ईमानदार थे भाई, अपने टर्न पे बोलिए मानवर, और भ्रष्टाचारी कहना वहां तक ठीक है, सुप्रिया फिर अपनी पार्टी के नेताओं को नैतिक दृष्टि से इतना कमजोर साबित करने में लग जाते हैं। अरे ये इतने डरे हुए थे, ये डर गए और इसलिए छोड़ के चले गए। अंजना जी, और इसलिए मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, झूठे केसेस में फंसाने की बात कही, हमारे ऊपर हिंदू आतंकवाद के इतने केस लगाए, कौन छोड़ के चला गया हमारे यहाँ से? बताइए गुजरात में कितने विधायकों को बुलाया, कौन छोड़ के चला गया? और इतना मैं कह रहा हूँ, सुनिए, लुटेरा देश से हो गए खराब, सोते राजा चौकीदार, इस पर बोल दीजिए। अच्छा, वो भी बताता हूँ, भी बताता हूँ, सुनिए। और आपको पहले याद, अरे वो भी जवाब दूंगा, नहीं बोलिए, अरे बोलना है भाई, समाचार के भाव पर नहीं बोलिए, फिर इधर उधर बीच में डिस्टर्ब करने लगे। नहीं, अरे मैं रहे हैं, एक सेकंड, पूरी बात कर लूं, सुनिए। इमरजेंसी के दौरान जब कोर्ट में जाने का मामला भी बंद था, तब भी कोई नहीं गया। अरे आज बोलो, इसलिए आवाज का जवाब देता हूँ। तीन लुटेरे हो गए भारत में, ईडी सीबीआई, भाई अपने अपने टर्न पे बोलिए आप, लगातार हर आदमी बीच में डिस्टर्ब करेगा कैसे? असली मुद्दे में क्या आप जवाब दे रहा था आपकी बात का? अरे टमाटर 150 रुपए बोलने लगे, वो उस पे आने लगे। मे की यू, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, युवा, इससे मुद्दा भटकाने के लिए महंगाई की दर बताइए, महंगाई की दर बताइए। अरे आप बोलो पहले, हम तो आप बोलिए महंगाई की दर क्या है, बोलिए भाई, मैं महंगाई की दर कितनी है, बोलिए दाल क्या भाव है, बोलिए महंगाई की दर कितनी है। हाँ बिल्कुल, मैं मान रहा हूँ, हाँ बोलिए, आप बताइए, आप बताइए क्या भाव है, आप बोलिए क्या भाव है, हम सुनिए, ठीक देखिए, ठीक है, सुन लीजिए, पूरा कर लीजिए, आप पहले बोल लीजिए, मैं जवाब देता हूँ। जवाब आपके पास नहीं है? अरे भैया, महंगाई की दर बताओ, अनुराग जी, अनुराग जी, महंगाई दर क्या फर्क क्या मतलब महंगाई दर हवाई होती है, महंगाई दर हवाई होती है, वो नहीं महंगाई दर क्या है, कमाल की बात करते हो, आम आदमी की बात ही नहीं करना चाहते, हम आम आदमी की बात कर रहे हैं। जब आदमी 500 रुपए लेके जाता है तो जब खरीदने टमाटर और सरसों जाता है तो उसको पता होना चाहिए कितना रुपए किलो है। आपको लगता है बाकी लोग क्या उनका विवेक नहीं है? तो बोल रहा मेरे से आपको मैं आखिरी बार बोल रही हूँ सर, मुझसे सवाल पूछे, आप बीच में बोले, इसका मतलब ये नहीं कि आप लगातार बोले, मुझसे पूछे तो मृत्युंजय जी भी बोल रहे हैं, समाजवादी, उन्होंने बोला पूछो, पूछ लीजिए आप,
या तो आप यहाँ आ जाइए या मैं चली जाती हूँ। आपसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, आई एम मेकिंग अ रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज डू नॉट मेक दिस अ शाउटिंग मैच। आप उनसे प्लीज स्टॉप दिस, तो वो उधर तक स्टॉप दिस, बात पूरी कीजिए। हाँ मैं बात पूरी कर रहा हूँ। ये बहुत आम आदमी है या ऐसे आम आदमी है जिन्होंने अपने गाँव में इनके नेता ने स्पेशल जेट प्लेन लैंड करने लायक सैफीम एयरस्ट्रिप बनाई, जहां सिर्फ चार्टर्ड प्लेन उतर सकता है, कोई फ्लाइट नहीं चलती सैफई के लिए। इतने महान गांव के व्यक्ति हैं, ये सबको पता है। और ये इतने महान गांव के व्यक्ति हैं, मैं बताता हूं, इनके यहाँ एक नेता है कैसे कैसे हैं, गायत्री प्रजापति, जिन्होंने बाकायदा हलफनामा दिया कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन है और 10 साल के अंदर 150 करोड़ की पॉवर्टी। ये इनके पार्टी के नेता थे। यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी एक मति भ्रम का शिकार है। भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी समस्या है कि आज की डेट में सुधांशु जैसा कर्मठ कार्यकर्ता नीचे, हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री, सुधांशु जैसा कर्मठ कार्यकर्ता नीचे, उसके बाद अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एकनाथ शिंदे डिप्टी मुख्यमंत्री, ठीक है ना। आज इन्होंने कल परसों इन्होंने 4 अध्यक्ष घोषित किए अभी प्रदेश के, प्रदेशों के 3 उसमें से कांग्रेस के और 1 जनता पार्टी का। इनके यहां ना संगठन में इनको पद मिलेगा और ना इनको सरकार में सत्ता मिलेगी। तो इनका हाल वही है कि उसका घर छोड़ के तो किधर जाऊंगा, और मैं कदा छोड़ दूंगा तो भी मर जाऊंगा, और सख्त मुश्किल में हूं, क्या करूं या खुदा, एक तरफ उसका घर और एक तरफ मैं का घर। तो ये कथा वाले हम परेशान नहीं, सुधांशु जी आपकी कमजोर नब्ज पे वो उन्होंने शूट कर ली है। हम आपके दर्द के साथ बात है, बीजेपी के नेता करेंगे क्या, उनको लगे तो कमजोर रहा, तो बीच में नहीं बोलता ना। ये मसला क्या है, हम इनके दर्द के साथ में हैं। ये लोग कांग्रेसियों को मुख्यमंत्री बनाएंगे, उड्डयन मंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन भाजपाइयों से ये सिर्फ गरीबी छुआएंगे। आने वाले समय में एक चीज जान लीजिए सुधांशु जी, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही होने वाला है, समझ लीजिए आप, आप बिहार की बात कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी टूट के कगार पे है, किसी एमएलए का काम नहीं हुआ। भैया कितना बड़ा मत भ्रम है, अभी उत्तर प्रदेश चिंता मत कीजिए, 100 से ज्यादा विधायक आपके फ्लोर पे आकर के योगी हटाओ का नारा लगा चुके हैं इसी विधानसभा में। आज इन्होंने बोला तो मैं भी एक बोल दूं, ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश हमारी पार्टी टूट के कार पे, जहां इनका 1 और 2 विधायक रह गया, यानी इनके लिए भी वो है कि आज तो उतनी भी मैं नहीं है मैं खाने में जितनी कि हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में, और कह रहे हैं कि हमारी पार्टी टूट के कगार के ऊपर है। मगर सुनिए कितना बड़ा इकबालिया बयान है, अपने मुंह से कह रहे हैं कि 3 लोग तो इनकी पार्टी से आए हुए हैं। मतलब देखिए इतना बड़ा इकबालिया बयान, हम तो कह रहे हैं 3 लोग हमारी पार्टी से आए हुए हैं, खुद बोल रहे हैं, इसका मतलब इनकी पार्टी कैसे छोड़ छोड़ जा रहे हैं। और इनके यहां तो और भी मजेदार बात है साहब, यहां तो पैदा होने से पहले पता है कि यही होगा भाई। जब प्रियंका जी का बेटा हुआ कहा भविष्य का प्रधानमंत्री हो गया, सुधांशु इस ढंग की बातें कही गई कि नहीं, यहाँ तो पहले से पता है शीशे के होते जो उन्होंने मेन बात कही वो तो आपने पकड़ी नहीं, तो खुल के आइए। योगी आदित्यनाथ के परिवारवाद की बात कीजिए, योगी आदित्यनाथ जी का तो परिवार ही नहीं है भाई, सन्यासी परंपरा में पिता परिवार होता है। अच्छा सन्यासी का भी परिवार होता है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, सन्यासी का भी परिवार होता है, जी क्या नाम जो है सांसद, उनके पिता दिग्विजयनाथ जी सांसद, इससे बड़ा परिवार बात, लेकिन जो वो कह रहे थे वो रुकिए, बताइए मेन बात, वो ये कह रहे थे कि आप जैसे बीजेपी नेताओं को लॉलीपॉप दिया जाएगा कि हम तो पार्टी बड़ा कर रहे हैं, और दूसरी पार्टी के नेताओं को लाला के नेता मंत्री सब बनाया जाएगा, आप लोग दरी बिछाते रहेंगे। अच्छा ये बताइए इस समय हमारे जितने टॉप की पोस्ट वाले बताइए कौन बाहर का है, हेमंत बिस्व शर्मा बताइए, प्रधानमंत्री जी, हेमंत बिस्व शर्मा मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, अब बिल्कुल बता रहे हैं कितने मुख्यमंत्री भाई, बोलिए मान्यवर जी, आपने जिन प्रदेशों का नाम दिया तेलंगाना जी, आंध्र जी, तेलंगाना में जी किशन रेड्डी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आंध्र में हमारी स्थिति बहुत कमजोर है, जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, क्या बात कर रहे हैं, जनता पार्टी का कार्यकर्ता था जी किशन रेड्डी, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में, मुझे एक सवाल भी आपको जल्दी से पूरा कीजिए, 2 लाइन में, वो दूसरे थे भाई, जनता पार्टी के नहीं है जी किशन रेड्डी, प्योर भारतीय जनता पार्टी के, ये भी पता हवा में कहने लगते हैं आप परेशान। अरे वो जयपाल और डी पुरंदेश्वरी बेसिकली आपकी पार्टी के नहीं, तो एंटी रामा राव के परिवार के, एंटी रामा राव के परिवार से आपके भाई अपना बोलने लगे। मेरा प्रश्न कांग्रेस अरे राजपूत से आपके चाचा थे भैया हमारे तो चूना लगा के एक पंजाब को साफ छोड़ दीजिए। सर मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अभी आपने तो मान भी लिया कि आपसे काफी गलतियां हुई थी, बीजेपी का विकास हमें दिखता है, आपने ऐसा क्या किया था कि आप पे दोबारा भरोसा किया जाए और आपको वोट दिया? बहुत सही बात है। मेरा सवाल सर मेरा सवाल विपक्ष से है, 2019 से पहले आपने राफेल का मुद्दा उठाया, राहुल साहब फेल हो गए,
अभी आपने अमेरिका से खरीदे गए ड्रोन पे घोटाले का उठाया है, उसमें भी लग रहा है फेल होंगे। तो सर ये जो कंपलसरी क्रिटिसिज्म है, इससे सर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे विपक्ष कब सर शिफ्ट होगा? ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए सर अच्छा होगा, लोकतंत्र पे ये अच्छा होगा सर? बहुत बढ़िया सर। मेरा सवाल आपसे सुधांशु सर कि सर एक तरफ विपक्ष मतलब सारे विपक्षों को एक करके एक घर बनाने की कोशिश कर रही है और दूसरी साइड बीजेपी एक ऑलरेडी एम्पायर बिल्डिंग बनी हुई है, तो क्या वो सारी विपक्ष जो एक नई बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रही है, क्या वो एम्पायर बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा पाएगी या फिर एम्पायर बिल्डिंग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? इसकी मैं जवाब अभी दे दूं, एक लाइन में। अच्छा, देखिए जानते हैं विपक्ष की एकता कैसी है, इसको शब्दशा ना लिया जाए, जिसे कहते हैं मेढकों को तराजू में तोलना, चार लाके रखेंगे जब अगले चार लाएंगे वो चार भाग जाते हैं। मेरा सवाल भी आपसे ये सुधांशु जी कि आप जब भी ये मैटर उठता है तो फोगाट सिस्टर्स ने जो जंतर मंतर पे धरना दिया था उसके बारे में सवाल उठते हैं और आप हमेशा ये जवाब देते हैं कि उस पे कार्रवाई चल रही है, जब आपको ऑपोजिशन को मुंह बंद करवाना है तो आप एक प्रॉपर जवाब भी तो दे सकते हैं उन्हें। तो प्रॉपर जवाब सर मेरा जवाब ये गठबंधन की क्या जरूरत है, जब आप सही है तो आप अकेले लड़िए जैसे बीजेपी लड़ रही है, आप अकेले भी तो लड़ सकते हैं, गठबंधन की क्या जरूरत है? गठबंधन तो पहले भी हुआ, तो क्या हुआ था आखिर? ठीक है, मैं दे दूं। मेरा सवाल सुधांशु सर से है, 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने सपना देखा था कांग्रेस मुक्त भारत, जो 2017-18 में पीक पे था, लेकिन अभी आपकी स्थिति यह है कि 15 राज्यों में आपकी सरकार है और 6 में पूरा बहुमत से सरकार है, तो कहीं कांग्रेस मुक्त बनाने के चक्कर में बीजेपी मुक्त भारत तो नहीं हो जाएगा? और मेरा सवाल मृत्युंजय सर से है, मेरा सवाल मृत्युंजय सर से है, हम ये पूछना चाहते हैं कि आप खाली टमाटर और आटा का बात करते हैं, हम बिहार से हैं, हम चाहते हैं कि आप एजुकेशन पे भी बात कर लीजिए, हमारे यहाँ स्कूल का हाल आप देख ही रहे हैं, हमारे खुद का गांव का स्कूल टूटा हुआ है और उसमें भूसा रखा जा रहा है, स्कूल में कोई पढ़ने वाला नहीं है, उसमें ना टीचर आ रहे, टीचर आए तो पिकनिक मना के जा रहे हैं, तो आप उस पर भी बात कर लीजिए। आटा और टमाटर नहीं चाहिए हमको, हमको नहीं चाहिए, हम लोग उपजा लेते हैं आटा टमाटर, अरे हम उपजा लेंगे, आप एजुकेशन दीजिए, हम पढ़ लेंगे, पढ़ के कमा लेंगे, खरीद लेंगे, 120 रुपए भी खरीद लेंगे, आप वो करते नहीं है, आप खाली यही सब बात कर रहे हैं, टमाटर मुझे सारे सवाल याद। मेरा सवाल आप सबसे है, आने वाले जो भी इलेक्शन है उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सरकार आएगी वो भी आम जनता पे ध्यान देगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ना? मेरा सवाल छोटे सवाल पूछिए प्लीज जल्दी। सुधांशु जी से मैंने माइक पकड़ा कि सर आप 9 साल से सत्ता में फुल मेजोरिटी के साथ है, 2024 में भी आ सकते हैं, तो सर बीजेपी बड़े फैसले लेने से क्यों हिचकिचाती है, जैसे UCC हो, फार्म बिल वापस लेना हो, लेकिन एक तरफ कर्नाटक डंके की चोट पे कांग्रेस आई और हिजाब बैन को हटा दिया, सिलेबस से हेडगेवार को हटा दिया, लेकिन बीजेपी मजबूत सरकार होने के बावजूद भी बड़े फैसले लेने से क्यों हिचकिचा रही है? सर मेरा सवाल मृत्युंजय सर से है कि सर आप अगर बिहार में अगर 5 साल के कोर्स 3 साल के कोर्स को 5 साल में करवा रहे हो फिर घिरे, उसे आप विकसित बोल रहे हो तो आप बहादुर है, लेकिन आते हैं चाहिए, हम चाहते हैं कि मतलब हमारे बिहार के बच्चे अच्छे पढ़े और 3 साल का कोर्स 3 साल में ही खत्म करें। कितने बिहार के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ, अच्छी संख्या में। मेरा सवाल भी आरजेडी प्रवक्ता से है। हाँ। सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि बेरोजगारी की फौज खड़ा हो रहा है बिहार से ही है ना? बिहार से, यस। तो ये जो पटना में 2 दिन पहले शिक्षक अभ्यर्थी को दौड़ा दौड़ा रखकर पीटा जा रहा था, वो क्या था, रोजगार था क्या? शिक्षा मंत्री ने क्या कहा पता है ना, कि बिहार के बिहार के जो युवा हैं वो मतलब अयोग्य हैं और सबसे ज्यादा बिहार के युवा IPS IAS बनते हैं, तो ये मतलब क्या था, वो रोजगार था क्या? अब देखिए पलड़ा बिहार के पक्ष में भारी हो गया है, क्योंकि मैं भी यहीं पे हूँ, तो उसी का जवाब अब दे दीजिए आप। एक कुंद व्यवस्था के बावजूद अपनी धार से बिहार के छात्र पूरे हिंदुस्तान में अपनी धमक बनाते हैं और आपके शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि असक्षम है, इसे बाकी इंडिया से लेना पड़ेगा। देखिए शिक्षा मंत्री जी के बातों को गलत अर्थों में नहीं लेना चाहिए। अच्छा। उन्होंने ये नहीं कहा कि बिहार के छात्रों में नौजवानों में प्रतिभा नहीं है, बिहार की छात्र नौजवानों की तो प्रतिभा इतनी है कि पूरे देश में उनका डंका बजता है। अब रिपीट मत कीजिए जो हम बोल रहे हैं। रिपीट तो इसलिए कर रहे हैं जब अरे कुछ बताइए ना सर, हम तो कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है, उस ओर कदम बढ़ चुका है, उसके परिणाम आ रहे हैं। थोड़ा सा रुक जाइए, अब एक-एक करके सवाल लेंगे। सुरेंद्र जी से पहला सवाल था। दो क्वेश्चन किए थे बिटिया ने। तो बेटे हम बताएं आपसे कि कांग्रेस ने इस देश को गर्व कराने वाले काम किए हैं। जब कांग्रेस की सरकार आई थी आजादी के बाद 1760 करोड़ रुपए का बजट था हमारा, हमने हथियार नहीं खरीदे, हमने भाखड़ा नंगल डैम बनाया, हमने IIT IIM बनाए, हमने रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए, हमने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जिसको सुधांशु भाई लोग बेच रहे हैं सारे बैंकों को, हमने क्या नाम सैकड़ों की संख्या में PSU बनाए जिनको ये सुधांशु जी वगैरह बेच रहे हैं, देश बेचे डाल रहे हैं, रेल तेल भेल सब हम ही लोगों का बनाया हुआ था। उसके बाद
परमाणु विखंडन, परमाणु संपन्न शक्ति राष्ट्र किया, उसके बाद एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान किए, हरित क्रांति हम लोगों ने की, दुग्ध क्रांति हम लोगों ने की, कंप्यूटर क्रांति हम लोगों ने की, राइट टू वोट करें ये पूछा था ना, मैंने बताया ना, हाँ इन्होंने ये पूछा था कि ऐसे कौन से काम कांग्रेस ने किए जिससे आप हमें गर्व हो, हम ये बात राइट टू इंफॉर्मेशन हमने दिया, राइट टू एजुकेशन हमने दिया, राइट टू फूड हमने दिया और मनरेगा भी हमने दिया। एक क्वेश्चन और था जी, अरे बीच में नहीं, बिना माइक के आपकी आवाज नहीं जा रही, चुप रहिए। अनुराग जी, गठबंधन करने की क्या जरूरत है, थोड़ी सी बात भाई, गठबंधन करने की क्या जरूरत है, लड़िए अपने अपने दम पर, हराइए बीजेपी। तो ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से भी होना चाहिए ना, उन्होंने अपना दल से गठबंधन किया हुआ है, निषाद पार्टी से गठबंधन किया हुआ है, एनसीपी से भी गठबंधन कर लिया, शिवसेना से भी गठबंधन कर लिया, उसके पहले भी कई सारे गठबंधन, जेडीयू के साथ गठबंधन में सरकार ही चला रहे थे, अब जेडीयू हट गए तो वो क्या करें। तो भारतीय जनता पार्टी तो गठबंधन ही गठबंधन करती रहती है, 23-24 पार्टियों के साथ गठबंधन करती है, तो सवाल तो भारतीय जनता पार्टी पे लागू होना चाहिए, और जिसके साथ गठबंधन करती है वो पार्टी खत्म कर देती है। शिवसेना, उन्होंने शिवसेना के साथ गठबंधन किया तो शिवसेना का हालत क्या क्या देख लो, इन्होंने मेरी बात सुनिए, बोलने दीजिए, आप जिसके साथ गठबंधन करते हो उस पार्टी को खत्म करने की कोशिश करते हो तो लोग आपसे पीछा छुड़ाते हैं, आप गठबंधन धर्म नहीं निभा पाते हो। गठबंधन सबसे ज्यादा अगर कोई देश में करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि अपने दम पे वो सरकार बना ही नहीं पाती, अपने दम पे सरकार वो चला ही नहीं पाती, बना नहीं पाती, पूरे 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 अरे 6 राज्यों में तो अपने दम पे आपकी सरकार है, हर जगह तो आप बैसाखी पे टिके पड़े हो और दूसरे से गठबंधन की बताते हो, गठबंधन क्यों करते हो। बीजेपी को लेकर जो एक प्रश्न एक बच्ची का था उसका जवाब दीजिए, कह रही थी एक तो फैसलों पर, एक बीजेपी को लेकर जो उनके फॉलोअर्स और वोटर्स है उनमें भी भ्रम पैदा हो रहा है, कब कौन सी पार्टी आपकी तरफ आ जाएगी, आप किसको स्वीकार कर लीजिएगा, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, वो भी जो आपको फॉलो करते थे, जिनको आप वेहमेंटली अपोज करते थे। बात को समझिए, अजीत पवार को आपने ही, आपके नेताओं ने भ्रष्टाचार का पर्याय बनाया, हसन मुशरिफ को आपने भ्रष्टाचार, अब क्या करेंगे राम कदम, किरीट सोमैया, कम से कम मंच बैठते थे कि हम इनके विरोध में बैठे हुए, वीडियो बनाते थे, सुबह से लगाने पड़े सोशल मीडिया पे, रोज वीडियो डालते थे, सोमैया जी आके डूबना, आपने अपने ही नेता को बेरोजगार कर दिया। देखिए पहले तो जो उसने प्रश्न पूछा था, उसने कहा था कि बड़े निर्णय लेने से बीजेपी क्यों हिचकती है, यूसीसी की तरह, जैसे उन्होंने उदाहरण क्या दिया कांग्रेस में, देखिए कितने बड़े निर्णय का उदाहरण दिया कि हिजाब वापस कर दिया और उन्होंने कहा हेडगेवार जी का वो हटा दिया, मतलब कितना प्रगतिशील निर्णय है कि हिजाब पहनने के ऊपर उन्होंने कह दिया आप जो हिजाब पहनना चाहिए, कितना प्रगतिशील निर्णय है 21वीं सदी में, जिसको जिस मानी हुई बात है इनकी पार्टी ने आने के साथ बड़े निर्णय किए। हमने अगर बड़े निर्णय की बात रही, जब से 2019 में हमारे पास राज्यसभा में भी थोड़ा बहुमत आया तो फिर चाहे आर्टिकल 35A हो, 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, हज सब्सिडी खत्म करना हो, अथवा जन जन में हर व्यक्ति को बिजली पानी सड़क, 11 करोड़ लोगों को नल से जल उपलब्ध कराना हो, 4 करोड़ लोगों को ग्रामीण में प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास उपलब्ध कराना हो, अथवा भारत को विमानवाहक युद्धपोत दिलवाना हो, भारत में इससे पहले एजॉर्ट राइफल्स नहीं बनती थी, अब एजॉर्ट राइफल्स भी बन नहीं है, भारत में लड़ाकू जहाज भी अंदर नहीं बनते थे, बन रही है भाई 14 साल से कुछ भी एजॉर्ट राइफल बन रही है, नाम बताइए, एचएल में एजॉर्ट राइफल बनती है, तो गजब है भाई, एचएल में तो कह रहा हूं भैया हवाई जहाज के पार्ट बनते हैं, एजॉर्ट राइफल कहां बनती है, मेरे साथ आइए फिर से, अरे मेरे साथ नहीं भाई, एजॉर्ट राइफल भारत में अब बनना चाहिए, आप दिखाइएगा, एचएल बोल गए, एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में एजॉर्ट राइफल बनती है, गजब है भाई, कोरवा शाखा में असॉल्ट राइफल का एक सेक्शन है, अरे भाई और जिसको रूस के उससे बाकायदा वहां पर बनाया रूस गया, उससे रूस के सहयोग से, हाँ रूस के सहयोग से, अरे सुधांशु जी फिर से फंस जाइएगा, अरे भैया फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कोरबा एचएल में एजॉर्ट राइफल बन रही थी, दिखाइएगा एचएल में एजॉर्ट राइफल बन रही थी, गजब बोलते हैं, अरे सुनिए चले भाई दिखाइए, एचएल दिखाइए, या तो आप राजनीति छोड़ दीजिएगा या मैं छोड़ दूंगा भाई, कोरबा जो है अभियानी से बात करते हैं, बहुत कहते हैं कि आप राजनीति छोड़ दीजिए, अरे आप क्या कर रहे हैं भाई, आप छोड़ दीजिए, सुनिए मैं बता रहा हूँ, जैसे चिरंजीव सुनिए, एचएल में कोरवा डिवीजन है, अवियोनिक्स डिवीजन है, यानी जहाँ पर जहाज के दो पार्ट्स होते हैं, आप भी मत बोलिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए, फिर से चलिए नहीं, अब आपने कह दिया ना, मुझे अपनी बात कहने दीजिए, जाके कोई भी चेक करे, एचएल कोरवा एवियोनिक्स डिवीजन है, एवियोनिक्स का मतलब जहाज के वो पार्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कनेक्ट होते हैं उसके लिए वो बनाई गई, उसमें एजॉर्ट राइफल बनाने की बात कर रहे हैं, एजॉर्ट राइफल तो एचएल का मैंडेट नहीं है, पता नहीं कहां से बोले दे रहे हैं, चलिए आपको दिखाएं, चलिए चलिए एचएल का मैंडेट दिखाइए, कैसे संभलिएगा 24 के पहले, 24 के पहले समझ लें कि मैं सोचता हूँ कोई चिंता ही नहीं है,
बहुत स्पष्ट कारण है, कुछ राय नहीं महाराष्ट्र के लिए। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में भारतीय जनता पार्टी पूरी तौर से जनता के बीच में अपना वो चेहरा दिखा चुकी है जिसकी बात वो इसके पहले करते थे, जिस पे इनको वोट मिले थे। इन्होंने ये कहा था हम चाल चरित्र चेहरे की बात करते हैं, देश की राजनीति हम सुचिता लाना चाहते हैं, लेकिन हो क्या रहा है, पूरी तौर से उन्होंने अपने आप को भ्रमित स्थापित कर दिया है। जहां ये बात कहते हैं उससे विपरीत जाके काम करते हैं। ये सारी बातें देश के लोगों के बीच में चर्चा में इस समय, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई इनके पास कोई ऐसा कहने के लिए हो जिसमें ये बता सके कि इनको वोट क्यों मिलना चाहिए। जितनी बात अभी सुधांशु जी ने बात की, आपको अजीत पवार से लड़ना है, प्रफुल्ल पटेल से लड़ना है, आपको पूरा पूरा कुंबा जो है उनसे लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। छगन भुजबल, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, उन लोगों से लड़ने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जनता का जो समर्थन है, जनता देख रही है इस बात को कि ये सारा काम हो क्यों रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में इस चुनाव को जीतना चाहती है, सारे समझौते कर रही है। अंजना जी मुझे एक बात, अंजना जी एक सिर्फ एक मिनट, सुधांशु जी इसको आप दिखा लीजिए, एचएल कोरबा में AK-47 राइफल बन रही है या नहीं बन रही? कब से? 2014 से पहले? उससे पहले से, यस। AK-47 राइफल बन रही है? AK-47 तो भारत की राइफल ही नहीं है। सुन ली, अब देख, अब बता रहा हूँ, सुनिए, AK-47 का फुल फॉर्म बताओ, AK-47 का फुल फॉर्म बताओ, है ना, ये वो तो रूस से संबंध आ रही है इम्पोर्ट, AK-47 का फुल फॉर्म बताओ अंजना जी, इसके लिए देखने जरूरत, उसमें लिखा है इतना को कोट करके दिखा रही हूँ, जिसमें लिखा है गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोडक्शन ऑफ ओवर 5 लाख AK-203 राइफल्स इन अमेठी यूपी 2021 में। हाँ हाँ, तो क्या अपने नेता काफी नहीं है? कौन सी स्ट्रैटेजी है कि दूसरी पार्टी को तोड़ना है, सबको लाना है, अपनी तरफ करना है, हर राज्य में आपकी रणनीति यही रहती है? क्यों? देखिए फंडामेंटल अंतर क्या है, हम किसी को नहीं तोड़ रहे हैं। अगर शिवसेना टूटी तो अपने कारणों से टूटी, ये लीजिए एनसीपी टूटा, तैयार है क्या? टर्न पे बोलिए, एनीबॉडी इज रेडी टू एक्सेप्ट? हाँ हाँ, मेरे बात पूरी होने दीजिए, फिर आप बताइए। देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, शिवसेना किस आधार पे थी, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी क्या कहते थे, मुझे याद है बचपन में उनका एक इंटरव्यू लिया गया और उनसे कहा गया आप पे आरोप है कि आप हिंदूवादी नेता हैं, तो जानते हैं उन्होंने क्या बोला, ये आरोप गलत है, पत्रकार को लगा शायद सफाई देंगे, उन्होंने कहा ये आरोप गलत है, मैं कट्टर हिंदूवादी हूँ, ये कहने वाली थी शिवसेना। और आज कहा हो गई, और आज कहा हो गई, उन लोगों के साथ खड़े इमरान प्रताप गढ़ी को राज्यसभा में भेज रहे हैं, आज उन पार्टी के साथ खड़े जो मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में केरल में, उस पार्टी के साथ खड़े जो बंगाल में फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी के साथ गठबंधन में, उस पार्टी के साथ खड़े जिसने मुस्लिम के साथ करते। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाला साहब ठाकरे के कट्टर हिंदुत्व वाले बयान को जब आपने कोट किया तो मैनेजमेंट और जर्नलिज्म पढ़ने वाले छात्रों ने तालियां पीटी है। अंजना जी, इसी के साथ इस कार्यक्रम में पुरानी बातें याद है, 5 दिन पहले जो प्रधानमंत्री जी ने बोला वो याद नहीं है, भ्रष्टाचार से लड़ने वाली बात हो गया, बाकी का किस्सा कैसे संभालना है उस पर भी आप जोर दीजिए। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। कहावत है घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। ये बात भारत की मौजूदा राजनीति के लिए इस वक्त बहुत बड़ी है, और वो इसलिए क्योंकि तमाम पार्टियों पर, एक एक पार्टी पर आप नजर डाल लीजिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो तो खैर वॉशिंग मशीन लेकर ही हर राज्य में पहुंचती है, तो दूसरी तरफ तमाम अन्य पार्टियां जो है विपक्षी पार्टियां, उनकी हालत अब ऐसी हो गई है कि वो अपने घर को बचा नहीं पा रहे हैं और एजेंसी एजेंसी चिल्ला रहे हैं। सवाल ये है कि इन घरों में ऐसी परिस्थिति क्यों बनी है। क्षेत्रीय पार्टी एनसीपी हालत देखिए, आज शरद पवार एक तरफ है तो अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, तमाम बड़े बड़े नेता दूसरा गुट बनाकर सरकार में मंत्री पद की शपथ तक ले लेते हैं, और शरद पवार को बाद में बोलना पड़ता है मेरी फोटो लगाना बंद करो, लेकिन फिर भी फोटो लगा रहे हैं। वही आप देखिए शिवसेना की हालत,
उद्धव ठाकरे गुट और फिर एकनाथ शिंदे जो कि असल शिवसेना के तौर पर आगे बढ़ रही है। यानी अब समीकरण बिल्कुल बदल चुका है। महाराष्ट्र तो अपनी राजनीति समझ ही नहीं पा रही होगी। जनता ने किस किस को वोट किया था, बीजेपी शिवसेना एक साथ थे, बाद में मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी का बना, जब देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार का फॉर्मूला खराब हो गया, शिवसेना ने महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में जाकर सरकार बना ली, अब वापस इधर शिंदे गुट फाड़ करके बीजेपी के साथ सरकार चला रही है, अजीत पवार वहां से निकल गए हैं। तो महाराष्ट्र का ये तमाशा एक तरफ है, तो दूसरी तरफ वो भी है जहां से कई खास मेहमान हमने बुलाए हैं, बिहार, जहां पर जेडीयू के खेमे पर ही सब धावा बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार का कुनबा कमजोर हो रहा है, तो एक तरफ बीजेपी की तरफ से कुछ दावे हैं कि उनके अपने सांसद विधायक छोड़ने वाले हैं, चिराग पासवान कुछ और कह रहे हैं, लालू प्रसाद यादव की नजरें हैं जेडीयू पर, ये कई अन्य नेता कह रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या मोदी का एक साइड इफेक्ट ये भी है कि क्षेत्रीय दलों में गृह युद्ध छिड़ गया है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि यहाँ पर मौजूद मेहमान से सवाल ये करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद, भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ उनका अभिनंदन कीजिए। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता, शरद पवार गुट के, एनसीपी के हमारे साथ आए हुए हैं, उनका भी तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मृत्युंजय तिवारी जी, आरजेडी के प्रवक्ता, तालियों के साथ आपका अभिनंदन। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी नेता, निजेश अवस्थी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ चर्चा में शुरू हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, क्या वाकई गृह युद्ध की नौबत है क्षेत्रीय दलों, सुनिए। चिन्हई आपल्याकडे राहायचं आहे, पक्षही आपल्याकडे राहायचं आहे, त्याला कुठेही दृष्टी लागून द्यायची नाही। राष्ट्रीयत्वाची मान्यता आपली रद्द झाली, ती परत आपल्याला मिळवायची आहे। निवडणूक आहे वेगळं करायला शिकून कुणाल दिली, हे सगळं देशाला व्हायची। आणि मी तुमच्यासाठी सांगतो, खून कुठे जाणार नाही ही गोष्ट खरी, पण खून हे देशाचं राजकारण करत नाही। त्यामुळे कोणी सांगत असेल की चिन्ह आम्ही घेऊन जाऊ, चिन्ह जाणार नाही, जाऊन देणार नाही। ते सालचे जो कडवाट चल रही थी, अब हो सकता है ये पवार साहब के दल के संचालन में कुछ गलतियां हों, शायद दोनों ने अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों को थोड़ा सा दूर कर दिया था, तो वो उनकी अंदरूनी बातें में और पर्टिकुलरली फैमिली डिस्प्यूट में तो जाना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। लेकिन ये फैमिली डिस्प्यूट भी होने के बावजूद भी एक राज्य की राजनीति पर इसका असर पड़ता है, तो इसलिए मैंने कल कहा था कि स्प्लिट रियल है। मुझे लगता है जिस तरह से ईडी, सीबीआई और दूसरे एजेंसीज का इस्तेमाल होकर लोगों पर प्रेशर डाला जा रहा है, उसकी वजह से ये हो रहा है। जिनके दामन पर दागदार है, वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, वे आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु जी, पहला सवाल आप ही से, क्योंकि पीछे में मृत्युंजय जी अभी फोन पर बात कर रहे थे जब रिपोर्ट चल रही थी, तो मुझे लगा कहीं आप ही की पार्टी से कॉल तो नहीं आ गया है। कुछ दिन में लग रहा है कि बीजेपी क्या है लोग पहचान नहीं पाएंगे। आपने सबको गले लगाने की जो ये प्रक्रिया हर राज्य में शुरू की है, मतलब ऐसा वॉशिंग मशीन। अंजना जी, आप ये कह रही हैं कि बीजेपी को पहचान नहीं पाएंगे, आज तो शिवसेना को पहचानना मुश्किल है, कौन सी वाली है, एनसीपी को पहचानना मुश्किल है, भविष्य में खतरा है जदयू को पहचानना मुश्किल होगा। मतलब इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा वाली उनकी स्थिति हो रही है। परंतु मैं एक सीरियस बात कहना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है, कई बार विरोधाभासी दलों के साथ गठबंधन होता है, देश की राजनीति में एक बार हुआ है, वो तब होता है जब स्पष्ट जनादेश जनता ने ना दिया हो, फ्रैक्चर्ड मैंडेट, खंडित जनादेश हो, तो आपको किसी न किसी के साथ मिलकर मजबूरी है सरकार बनाना। परंतु बिहार और महाराष्ट्र बिल्कुल दो अलग राज्य हैं। यहां पर दोनों जगह जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया था, महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व में भाजपा शिवसेना को क्लियर मैंडेट और बिहार में भी भाजपा जदयू को क्लियर मैंडेट। मगर जब क्लियर मैंडेट के बाद भी सत्ता के लोभ में या स्वार्थ में किसी कारणवश इधर उधर आप पलटने की कोशिश करते हैं, तो होता यह है कि आप पार्टी को परिवार न मानकर परिवार को पार्टी मानने की गलती कर बैठते हैं, तो आप अपने विधायकों, मंत्रियों, नेताओं, कार्यकर्ता, कैडर को ही नहीं समझा पाते, जनता की तो बात छोड़िए। और वही हश्र आज महाराष्ट्र में हो रहा है, शिवसेना के सामने यही समस्या आई, वही
आंतरिक मामला है वैसे उनका, एनसीपी के अंदर वही समस्या आई और जदयू भी उसी प्रकार की समस्या से आगे जा रहा है। परंतु आरोप किस पे लगा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी पे। अरे मैं तो याद दिलाना चाहता हूं, पहले भी बोल चुका हूं कि 23 जून को लोग पटना में मिले थे, तो अब तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि पार्टियों के बीच का सेतु तो छोड़िए, इनके अंदरूनी जो एकता है, पार्टियों का अंदरूनी सेतु उतना कमजोर था जितना बिहार का वो पुल था जो बह गया। अब जो ये आरोप लगा रहे हैं, देखिए क्या हुआ, मोदी जी के विरोध में, घृणा में इन्होंने बहुत सारी चीजें एक साथ की, बहुत सारे रूप और स्वांग बदलने का प्रयास किया, मगर क्या बताएं, ये इनकी स्थिति ये हो गई कि ये जितना रूप बदलते चले गए, जितना भी रूप बदलते चले गए, असली रूप उभर के सामने आता चला गया। मतलब जिसे वो कहते हैं इस गठबंधन में तो कोई सिला नहीं, कौन किससे मिला है ये कुछ पता ही नहीं, लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, मगर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। वैसे तो हमेशा कांग्रेस की बारी आती है, लेकिन आज आपको दूसरा बोलने का हम लोग यहां पर मौका देते हैं, क्योंकि आपका घाव अभी हरा हरा है सर। हाँ, घाव तो हरा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन घाव हुआ क्यों? घाव तो हो गया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, घाव हुआ क्यों? घाव के पीछे खास कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार महाराष्ट्र में इस बात का प्रयोग कर रही थी कि कैसे जो 48 सीटें हैं उनमें से वो ज्यादा विधायक लोकसभा की सीटें कैसे जीत पाए, लेकिन हर बार उनको पता लग रहा था कि वहां पर जो उनका नेतृत्व है वो पूरी तौर से भ्रमित नेतृत्व है, और वो नेतृत्व वहां पर फिर से अपनी लोकसभा की सीटों में अपनी पार्टी को चुनाव नहीं जिता सकता। पहले उन्होंने प्रयोग किया, शिवसेना को तोड़ा, तब भी लगा कि कुछ नहीं हो सकता, तो हमारी तरफ आ गए। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि हमारे कुछ लोग भाजपा से प्रभावित होकर या उनके भ्रम का शिकार हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी महाराष्ट्र में मासूम है आपकी नजरों में अजीत पवार। नहीं सर, बचपन में कहानी हम सब पढ़ते थे ना कि वो गठरी अगर आपको मजबूत करनी है तो लकड़ियों को एक साथ बांध दो, अगर मजबूत हो तो नहीं टूटती है, अगर कमजोर हो तो क्या होता है, टूट जाएगी। तो फिर वही हुआ ना आपके साथ। मैं इनकार नहीं कर रहा कि हमारे कुछ लोग, क्या शरद पवार का फेलियर है? क्या अपनी पार्टी के नेताओं को, जिसमें अजीत पवार ही नहीं प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल तमाम नेता है, उन सबको वो एक साथ नहीं रख पाए क्योंकि वो अपनी बेटी को स्थापित करना चाहते थे? सीधा प्रश्न है, जवाब दीजिए। मैं सोचता हूँ शायद बेटी को स्थापित करने से ज्यादा बड़ा प्रश्न ये था कि जो लोग लगातार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से काम कर रहे थे, उनको ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से शायद उनका भविष्य सुरक्षित हो जाए, क्योंकि राजनीति में समझौते लोग करते किस लिए, शायद इसलिए करते कि उनको सत्ता उनकी बरकरार बनी रहे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां की जनता ने यह तय कर लिया है कि इस बार वहां पर 48 की 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारेगी, क्योंकि इसके पहले वाले प्रयोग पे भी लोगों ने असहमति व्यक्त की थी और अभी फिर वही स्थिति बन रही है। आदरणीय शरद पवार जी जब पूना से निकले हैं सतारा जाने के लिए, पूना से लेकर सतारा तक और सतारा से लेकर मुंबई तक लगातार सड़कों पर लाखों लोग खड़े रहे ये कहने के लिए कि हम आपके साथ हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो पब्लिक थी, जो आदरणीय अजीत पवार साहब को करना था उन्होंने कर लिया, लेकिन जनता आज उनके साथ नहीं है, जनता ने अपना संदेश दे दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो चेहरा है, जो सत्ता से सत्ता के लिए दीवाना है, सत्ता के लिए पूरी तौर से कुछ भी करने को तैयार है, वो देश के सामने आया है, वो भारतीय और महाराष्ट्र में 48% सीट बीजेपी को मिल जाए तो अचरज होगा। बस एक लाइन, ये कह रहे हैं सत्ता के लिए आया, यहां तो स्थिति हो गई कि जैसे ही एनसीपी टूटी कांग्रेस ने दावा ठोक दिया एलओपी हमारा होना चाहिए, नियम मतलब नेता प्रतिपक्ष नियम के तहत विधानसभा का सेशन 17 तारीख से शुरू होना है, इसमें जरूरी है कि कांग्रेस भी लड़ने के मोड में आ रही है, क्यों ना हो, कोई यहाँ पर साधु संत बनने के लिए तो आप लोग पॉलिटिक्स में आए नहीं, एलओपी का दावा किया तो मानना चाहिए उसको। उन्होंने कहा सत्ता के लिए वो दीवाना है, लेकिन एक दीवानगी आप लोगों पर भी छाई थी जब शिवसेना के साथ मिलकर आपने महाराष्ट्र विकास आघाड़ी बना ली थी, अब दोनों ही टूट गए हैं तो खुश है या दुख हो रहा है थोड़ा? अंजना जी, दो तीन चीजें बड़ी साफ है। मोदी जी का बड़ा स्पष्ट नारा है, बच्चों सब लोग सुन लो, कि जिन जिन के दामन दागदार हैं वो सब भाजपा पर सवार है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी ने सारे भ्रष्टाचारियों को, जो सो कॉल्ड भाजपा ने कहे थे, हमने नहीं कहे थे, अच्छा। सारे भ्रष्टाचारियों को पहले ईडी का डर दिखाया, डिप्टी सीएम बनाया था हमने, तो बनाया था हम, तो कह रहे पटेल कई बार मंत्री हम भी तो कह रहे हैं कि वो दागदार नहीं थे, नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर पहले भाजपा ने आरोप लगाए। आप तो अंजना जी जानते, दो दो ट्रक भर करके लाए थे नारायण राणे, दो ट्रक भर करके लाए थे, वो घोटाला कौन से वाला था, क्या नाम, 70,000 करोड़ का, जिसको अभी मोदी जी कह रहे थे नेचुरली करप्ट पार्टी। उसके बाद ईडी की कार्रवाई, फिर हसन मुशरिफ पे कार्रवाई, हसन मुशरिफ पर कार्रवाई, 100 करोड़ रुपए की डिमांड, 11 तारीख को उसकी रेगुलर बेल,
लेकिन आज 4 तारीख को उसको कैबिनेट मिनिस्टर, जिन जिनके दामन दागदार हैं वो या तो भारतीय जनता पार्टी की जेल में जाएं मंत्री बने, और या फिर तिहाड़ जेल में जाएं। ये भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचारी जनता पार्टी होने का पुख्ता प्रमाण है। वही कर रहे हैं जो पहले आरजेडी और समाजवादी पार्टी के साथ आप लोग करते थे। अगर साथ आ गए, समर्थन दे दिया तो फिर ठीक है मामला, वरना तुरंत नोटिस चला जाता था सीबीआई का। इस बात को मैं पूरी तरीके से फिर दूसरे तरीके से कहता हूं जना जी, आप तो प्रख्यात पत्रकार हैं, पिंजरे का तोता। ये बिल्कुल आप बिल्कुल सही, आप जितनी भी बातें कहिए फिर आप एक शब्द से आप जो है आपत्ति करेंगी, और मैं आपको कह दूं ये शब्द आज तक नहीं कह रहा है। हमारी कमियों को शिखंडी बना करके भारतीय जनता पार्टी कब तक छुपेगी पीछे? हमने की हैं कमियां, लेकिन लोकतंत्र को बचाने के लिए सारे अच्छे काम भी किए हैं। अगर एक आधी कमी हमने की है तो हमारी कमियों को शिखंडी बनाए और भारतीय जनता पार्टी वाले पीछे छुप जाएं, जैसे नेहरू जी की तस्वीर के पीछे छिपकलियां सारे वो चीज खा करके छुप जाती है कीड़े, तो ये इस तरीके की हरकत क्यों कर रहे हैं? ये आज जो है, हिम्मत रखिए, आज थोड़ा मायूस लग रहा है। मायूस मामला गड़बड़ा रहा है क्या? कोई मामला नहीं है, बिहार तो हर दिन रोज दहाड़ते थे, अब मोड में आइए। ठीक है सुरेंद्र जी, पूरा कर रहे हैं। तो 2-3 चीजें बड़ी साफ। पहली चीज तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक नेचर है कि गले लगाती है और छुरा भोंकती है, अकाली दल के पीठ पे छुरा भोंका, शिवसेना की पीठ पे छुरा भोंका, अब अजीत पवार जो आए हैं इनकी पीठ पे भी छुरा पड़ेगा, क्योंकि एक नया तख्ता पलट होने वाला है। शिंदे की सीट पे पीठ पे छुरा पड़ने वाला है। अब देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर छुरा लेके घूमते हैं, अरे बड़े छुरे इनके पास, छुरे नहीं है इनके पास एक वॉशिंग मशीन है, उसमें एक डीप फ्रीजर लगा हुआ है। ये मूल रूप से पानी से सुनिए वही बता रहे, सुन लीजिए, हाँ यही बात। मूल रूप से ये लोग उसमें क्या करते हैं बच्चों, पानी का बर्फ का छुरा बनाते हैं ताकि वो भी ना रहे, निशान ना रहे। हाँ, निशान ना रहे, बर्फ का छुरा मारते हैं, सबकी पीठ में छुरा भोंकते हैं। मगर वैसा छुरा से आरजेडी की, देखिए जनता दल यूनाइटेड की पीठ में हम आपके बीच में नहीं बोले सुधांशु जी, सॉरी सॉरी, ठीक है आप इतना परेशान मत होइए, हम जानते हैं आप हताश हैं, आप निराश हैं, मोदी जी के मामले में आप लोग बिल्कुल अस्तांचल की ओर हैं। सूर्य उनका वो अब वोट नहीं ला पा रहे हैं, कर्नाटक में नहीं ला पाए, अब वो विदेश में जाकर के वोट ढूंढ रहे हैं, अमरीका में ढूंढ रहे हैं, तो इसलिए छोड़ दीजिए आप। आज आप हमारी बात सुनिए, आप जितने लोगों को साथ लोगे सबकी पीठ में छुरा मारोगे। तो जब ये लोग सबकी पीठ में छुरा मारते हैं, अब अजीत दादा का भी नंबर है। आने वाले समय में अंजना जी मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर इनकी डबल इंजन की सरकार अच्छी चल रही थी तो इन्हें तीसरा इंजन लगाने की क्या जरूरत थी? कमजोर है आदमी, तो वो कह रहे हैं, अरे तोड़ के ताली बजाना था ना, वही तो कमजोर कमजोर गठरियां टूट रही हैं 24 के लिए उनको ना, 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 तो नहीं समझ। अच्छा रहे अब चलिए हम आपसे एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जो आपका जवाब वो हमारा जवाब। 100 बीमार मिलकर के एक अच्छा अस्पताल बना लेंगे क्या? ये लोग अस्पताल बनाएंगे, ठीक है 24 में जो होगा सो देखा जाएगा। मृत्युंजय जी आप हंसे तो मैं आपको दुखी नहीं देख सकता। अब बताइए तिवारी जी क्या हुआ है, अंदर की बात कुछ बताइए। देखिए जेडीयू के कुछ सांसद विधायक बीजेपी से संपर्क में हैं। अंदर की बात ये है कि आदरणीय मोदी जी की भ्रष्टाचार पर महिमा इतना अपरंपार है कि सारे भ्रष्टाचारी जब भाजपा के हो जाते यार तो सब हो जाते सदाचार सदाचारी, और जो नहीं बनते भाजपा के यार उस पर होगा भ्रष्टाचार का प्रहार। ये कैसा प्रहार है? बिहार में जो बैठक हुई विपक्षी दलों की नेताओं की एकजुटता की, इसके बाद देखिए महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया, और 4 दिन पहले मध्य प्रदेश में चिल्ला कर कहे थे कि भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे, गारंटी है। इस बात की गारंटी कब देंगे कि टमाटर 160 रुपया महंगा हो गया, गरीबों का थाली खाली है, बेरोजगार नौजवानों का फौज खड़ा हो गया, देश का किसान परेशान है? इस बात की गारंटी दे देते कि अच्छे दिन का सपना हमने साकार कर दिया, तब देश की जनता को समझ में आती। देश की जनता भी अब बहुत समझदार हो गई अंजना जी, अब होशियार है और सब समझ रही है इनका भ्रष्टाचार पर जो दोहरा वार है कि सबको भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार करके सबको अपने पाले में, ये भ्रष्टाचारी जमात पार्टी बनकर बीजेपी रह गई है। और पिछले सावन में इसी बिहार में बीजेपी की नैया डूबी थी, शिंदे सरकार महाराष्ट्र में खेला इन्होंने किया था, उसका बदला सूद ब्याज के साथ बिहार में लिया, और ये सावन 2 महीने का है,
ये सावन भी बीजेपी के लिए भारी है और इसी बिहार में इनकी नाव डूबेगी। आप लोग कह रहे बिहार में टूटेगी, आरजेडी में टूट होगा, जेडीयू में टूट होगा, अभी हमने आदरणीय सुशील मोदी जी को सुना। ये बेचारे बताइए, इनको डिप्टी सीएम तक नहीं बनाया भाजपाइयों ने, सरकार में मंत्री केंद्र में नहीं बनाया, और आज ये कूद कूद कर कह रहे हैं जेडीयू टूटेगी। कोई टूटेगी टूटेगी नहीं, अटूट गठबंधन है और जनता का समर्थन है और भारतीय जनता पार्टी की 24 में विदाई है। अनुराग भदौरिया जी, कुछ साइड इफेक्ट आपकी पार्टी पर भी पड़ रहा है क्या? सारा इफेक्ट भारतीय जनता पार्टी पे पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी और बौखलाहट आप देख सकती हैं। शिवपाल यादव पर डेरा डाल सुन तो लीजिए, वो डालते रहे, उनकी आदत है। अजीत चौधरी, शिवपाल यादव भी कहा है, डोरे संजय निषाद और राजभर ने कि वो समझा रहे बीजेपी। अरे उनकी डोरे डालने की आदत है, पर उनके डोरे में आता कौन है? वो डाले बैठे रहते हैं कटिया, लेकिन कुछ आता नहीं उनके हाथ। हाथ क्या आता है पता? सुन लीजिए आप मेरे भूल लीजिए, मैं बोल लूं अपनी बात। आपको याद होगा सबसे बड़े नेता अगर भारतीय जनता पार्टी के देश के रहे, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, अब तो स्वर्गीय हैं। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा था, एक वोट से उनकी सरकार गिर रही थी, उन्होंने कहा था कि अगर मुझे खरीदना पड़े और पार्टियां तोड़ने पड़े तो ऐसी पार्टियों को मैं चिमटे से भी नहीं छूंगा, मैं सरकार जाना पसंद करूंगा। ये उनके शब्द थे। आज अफसोस होता है उनकी पार्टी की हालत क्या हो गई है। हालत ये हो गई कि जनता ने रिजेक्ट करती जा रही है। उनका एहसास है कि 2024 में, चूंकि वो महंगाई का मां बोलने से डरते हैं, बेरोजगारी का बाप बोलने से डरते हैं, किसान का का बोलने से डरते हैं, युवाओं का वा बोलने से डरते हैं, सोचो आप, महिलाओं का मां बोलने से डरते हैं सम्मान में। जिस सरकार के अंदर में आपने देखा हो कि युवाओं महिलाओं को रोड पे, जो तिरंगा देश का जीत के आने वाली, जिन्होंने पहलवानी में देश के लिए तिरंगा जीता, उनको रोड पे घसीटा गया, कोई बीजेपी का नेता एक भी बोला हो तो बता दीजिए, रोड पे घसीटा गया उन महिलाओं को। तो इन महिलाओं का जहां अपमान हो, जहां किसानों का अपमान हो, जहां बेरोजगारों का सम्मान नहीं हो, जहां महंगाई की मार हो, वहां पे अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कोई बात नहीं करेंगे और जोड़ तोड़ की राजनीति करने की कोशिश करेंगे, जिनको आप कह रहे थे इनके भ्रष्टाचार का आरोप है, उनको आप चार दिन बाद बुलाते, इधर आओ इधर आओ, अभी हमने भ्रष्टाचार का आरोप आप पे लगाया था, ईडी लगाई थी, आओ इधर आओ इधर आओ, आओ राजभवन आओ, ये लो राज तिलक कर दिया, अब आप मंत्री हो गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की बात करती थी, भ्रष्टाचारियों को अपने साथ ले लिया, एक मिनट, भ्रष्टाचारियों को अपने साथ ले लिया, फिर ये वंशवाद की बात करती थी, अब वंशवाद के इनका हालत देख लो। अजीत पवार भी उसी से आते हैं, लेकिन इनको अफसोस दिक्कत नहीं, क्योंकि इनकी सत्ता में आ गए। चौटाला के साथ हरियाणा में सरकार चला रहे वंशवाद से, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीपी के साथ चले गए थे कश्मीर में सरकार बनाने, फिर इन्होंने बादल के साथ सरकार बनाई परिवारवाद से पंजाब में, कोई दिक्कत नहीं थी। हम उत्तर प्रदेश में चले जाओ, अभी राजभर जी को डोरे डालते रहते हैं, निषाद ऑलरेडी इनकी पार्टी में परिवारवाद से, अपना दल परिवारवाद से, कितना शिवसेना परिवारवाद से आपके साथ सत्ता में। आप परिवारवादों के साथ सत्ता बनाएंगे, मलाई खाएंगे। अनुराग ठाकुर के पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, जो आज मंत्री हैं। परवेश वर्मा के जो आपके एमपी, उनके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे, और सिंधिया फैमिली पूरी आप लेके आ गए। तो आपके यहां परिवारवाद का था है, लेकिन आप उस पे बोलेंगे नहीं। आप किस पे बोलेंगे? आप बोलोगे वहां तोड़ो, वहां जोड़ो, वहां डराओ, वहां धमकाओ, लेकिन आप भूल गए जनता को, नेता को तोड़ने से जनता नहीं टूटती है। जनता वही है जो इंतजार कर रही है 2024 की डेट कब अनाउंस होगी, तब आपको बताएंगे हराने का रास्ता। जनता आपको हराएगी, आप नेता तोड़ते रहो। नजर टिका लिए, अब जवाब दीजिएगा। लेकिन अब निजेश अवस्थी जी, उससे पहले क्या कुछ दिन में ऐसा हो जाएगा कि बीजेपी खुद ही नहीं समझ पाएगी कि वो कहां पर टिकी है? इतने सारे नेताओं को इंपोर्ट करना दूसरी पार्टियों से, अब तो लोग कहते हैं कि बीजेपी के नेता है तो पता नहीं मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन अगर विपक्षी दल के हैं, अगर भ्रष्टाचार का आरोप है, तब तो बहुत आसान है मंत्री बनना। तो अंजना जी, एक बात बड़ी साफ सी है, ईडी से सीबीआई से वही तो डर सकता है ना जिसने कोई गलत काम किया हो। ये तमाम लोग कहते हैं वॉशिंग मशीन है, उससे पहले इनकी वॉशिंग मशीन होती है, कहते हैं कि नहीं सब तो वो है, सब ठीक है, बिल्कुल कोई ईमानदार है, ये विपक्षी दल में हमारे साथ हैं इसलिए आरोप लगा रहे हैं ये। लेकिन जो ही उधर जाते हैं वो सारे आरोप जो बीजेपी लगा रही होती थी वो ये लगाना शुरू कर देते हैं। इसलिए समझ में नहीं आता कि एक बार ये कहते हैं, ये तो सिर्फ अपोजिशन के लिए भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी सही बोल रही है, विपक्ष सही बोल रही है? नहीं नहीं, मैं परेशान ऐसा सुन तो लीजिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ। बात अंजना जी बड़ी साफ सी है, लंबे समय से अगर आप देखेंगी, 23 तारीख को जो महागठबंधन की, सो कॉल्ड महागठबंधन की बैठक हुई, उसकी जब बाहर स्टोरी आई तो अंदर तो ये कहा जा रहा था कि सबसे बड़े जो नेता थे इनके, सबसे अनुभवी नेता चाणक्य, वो कहते थे आएगा तो मोदी ही, ये उनकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं।
नीतीश कुमार ने कहा था जीतन राम मांझी को एक सेकंड बीच में नहीं बोला था जीतन राम मांझी को कहा कि हमने इसलिए अंदर नहीं बुलाया क्योंकि अंदर की बात लीक कर देते हैं। अब प्रफुल्ल पटेल ने लीक कर दिया, अब किस किस को नहीं बुलाएंगे? बात बताइए ना, मंत्री बनवा दीजिए, बीजेपी बोले कि हमारा मुख्यमंत्री वही होंगे। बड़ी साफ सी अंजना जी कि ये सारा विपक्ष सो कॉल्ड, इसमें कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर कोई महत्वाकांक्षा नहीं है? सब आपस में एक दूसरे को निपटा रहे हैं। ये मोदी के खिलाफ नहीं, आपस में आपने देखा शिवसेना दोनों गुट आपस में लड़ रहे हैं, किसकी नाम और निशान की लड़ाई? शरद पवार और अजीत पवार गुट आपस में लड़ रहे हैं, किसकी नाम और निशान की लड़ाई? मोदी से बीजेपी से नहीं लड़ रहे, ये आपस में सब लड़ रहे हैं। तो सबकी बातों का जवाब दीजिए, बीजेपी क्या कर रही है? सबसे ताकतवर अभी महायुति जिसे कहा अजीत पवार ने, कौन है उसमें? इतने कम विधायकों के साथ आपने उनके 9 मंत्री बना दिए, 10 मंत्री शिंदे गुट के, और बीजेपी वाले विधायकों की क्या गलती है? 105 हैं आप लोग, फिर भी सिर्फ 10 मंत्री। आपको याद दिला दूं, हमने एक नहीं अनेक बार ऐसे गठबंधन किए हैं। जब मायावती जी के साथ किया था 67 उनके थे और 178 हमारे थे, और उसके बाद 2/3 मंत्री उनके थे। दूसरी बार भी उनके साथ था, जेडीएस के साथ हमने कर्नाटक में किया था, 40 उनके थे, 84 हमारे थे, फिर भी हमने आधा आधे पे किया था। इसलिए मैं कह रहा हूं वो एक अलग विषय है, मगर आज मैं एक पहले भी बोल चुका हूं, एक विचित्र ट्रेंड भारत की राजनीति में देख रहा हूं। देखिए, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी ने तो फिर भी संभाल के बोला, उनको लगा कि ये मामला फंसने वाला है, तो उन्होंने कहा हम भ्रष्टाचारी नहीं मानते हैं। मगर मैं देख रहा हूं बाकी तो भैया ऐसा आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। ऐलानिया कहते हैं हम भ्रष्टाचारी थे, हमारा नेता भ्रष्टाचारी था, हमारी सरकार नेता भयंकर भ्रष्टाचार हुआ था। पूरी बात हमारा आरोप था और हम आरोप पर आज भी कायम है। इसलिए किसी भी आरोपी नेता के विरुद्ध ना हमने केस विथड्रॉ किया है, ना हमारी एजेंसीज ने केस टोस किया है। मगर महत्वपूर्ण बात यह, ये लोग तो कहते थे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, पर सारे लोगों को बात दिलवानी है। इनका स्टैंड ये था कि अजीत पवार ने कुछ भी नहीं किया और आज बोलते हैं भ्रष्टाचारी थे। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और ईमानदार थे भाई, अपने टर्न पे बोलिए मान्यवर, और भ्रष्टाचारी कहना वहां तक ठीक है, फिर अपनी पार्टी के नेताओं को नैतिक दृष्टि से इतना कमजोर साबित करने में लग जाते हैं। अरे ये इतने डरे हुए थे, ये डर गए और इसलिए छोड़ के चले गए। अंजना जी, और इसलिए मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, झूठे केसेस में फंसाने की बात कही, हमारे ऊपर हिंदू आतंकवाद के इतने केस लगाए, कौन छोड़ के चला गया हमारे यहाँ से? बताइए गुजरात में कितने विधायकों को बनाया, कौन छोड़ के चला गया? और इतना मैं कह रहा हूँ, सुनिए, लुटेरा देश से हो गए खराब, सोते राजे चौकीदार, इस पर बोल दीजिए। अच्छा, वो भी बताता हूँ, भी बताता हूँ, सुनिए। और आपको पहले याद, अरे वो भी जवाब दूंगा, नहीं बोलिए, अरे बोलना है भाई, अमृतसर के भाव पर नहीं बोलिए, फिर इधर उधर बीच में डिस्टर्ब करने लगे। नहीं, अरे मैं रहे हैं, एक सेकंड, पूरी बात कर लूं, सुनिए। इमरजेंसी के दौरान जब कोर्ट में जाने का मामला भी बंद था, तब भी कोई नहीं गया। अरे आज बोलिए, ईडी सीबीआई, अपने अपने टर्न पे बोलिए, आप लगातार हर आदमी बीच में डिस्टर्ब करेगा कैसे? असली मुद्दे में क्या आपने जवाब दे रहा था आपकी बात का? अरे टमाटर बे की यू, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, युवा, इससे मुद्दा भटकाने के लिए महंगाई की दर बताइए, महंगाई की दर बताइए। अरे आप बोलो पहले, हम तो बाहर बोलिए, महंगाई की दर क्या भाव है? बोलिए भाई, महंगाई की दर क्या भाव है? दाल क्या भाव है? बोलिए ना, महंगाई की दर कितनी है? हाँ बिल्कुल, मैं मान रहा हूँ, हाँ बोलिए, आप बताइए, आप बताइए क्या भाव है? आप बोलिए क्या भाव है? आप पहले बोल लीजिए, मैं जवाब देता हूँ। जवाब आपके पास नहीं है? अरे भैया, महंगाई की दर बताओ, महंगाई की दर बताओ, 4% उससे बोलेंगे महंगाई दर बताओ, तब हमें टमाटर देना। अनुराग जी, पता चलेगा महंगाई दर क्या? कमाल की बात करते हो, आम आदमी की बात ही नहीं करना चाहते हम, आम आदमी की बात कर रहे हैं। जब आदमी 500 रुपए लेके जाता है तो जब खरीदने सरसों जाता है तो उसको पता होना चाहिए कितना रुपए। भदौरिया, आपको लगता है बाकी लोग क्या उनका विवेक नहीं है? बोल रहा मेरे से आपको मैं आखिरी बार बोल रही हूँ सर, मुझसे सब सेकंड से आप बीच में बोले, इसका मतलब ये नहीं कि आप लगातार बोले। मुझसे पूछे तो नितिन जी भी बोल रहे हैं, अगर आप समाजवादी, उन्होंने बोला पूछो, पूछ लीजिए आप,
या तो आप यहाँ आ जाइए या मैं चली जाती हूँ। आपसे आखिरी बार बोल रही हूँ, आई एम मेकिंग अ रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज डू नॉट मेक दिस अ शाउटिंग मैच। आप उनसे प्लीज स्टॉप दिस, तो वो उधर तक स्टॉप दिस, बात पूरी कीजिए। हाँ मैं बात पूरी कर रहा हूँ, ये बहुत आम आदमी है या ऐसे आम आदमी